नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बीती देर शाम मोगा जीरा रोड पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो जाने की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक मृतक रुपिंदर कौर जीरा में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। उसकी शादी 1.5 साल पहले जीरा निवासी सुखविंदर सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद सुखविंदर उसके माता पिता से दहेज की मांग कर रहा था। भरा मनप्रीत सिंह मोटरसाइकिल से आ रहा है जीरे तो मोगे तो धलेकियां के कोल कॉटन राइस मिल है। कॉटन राइस मिल के ट्रक वाला टर्न कर लगा सी मिल वाल उत्थे मुंडे तो कुड़ी ने अपना मोटरसाइकिल रोक लिया तो पिछों एक ट्रैक्टर आया तेज़ रफ्तार से काफ़ी तो उन्हें इन्होंने दोनों कुचल दिता जिसे करके लड़का पास डिग पिया तो लड़की ट्रैक्टर के ट्राली के टायरों थले आ गई तो एड की सपोर्ट मौके से मौत हो गई। तो यह जरा एक्सीडेंट है वि ट्रक ड्राइवर की मेन लापरवाही करके होया एक्सीडेंट तो ट्रैक्टर वाला भी बेचा ट्रक वाला भी बेचा एक इन्होंने अपने लड़की का डिस्प्यूट चलता ही अपने हसबैंड नाल नाम बच्चे लिखाया तो इतना के खिलाफ जी एफ आई आर दर्ज की है। रविंदर कौर है जी ये जीरे व्याही हुई थी मैनू यह लगता भी जो परिवार के नाल इन्हों का डिस्प्यूट चल रहा है इन तंग करते ही थोड़ा जहाँ भी दाज दूज पिछे रौला सीगा ये जी सारी साजिश लगती है इनू जो ट्रैक्टर के ट्रैक्टर के ट्रक के हेठ देने की यह सारी उस परिवार की मैंने चार लगती है मैं खदशा भी उस परिवार का पूरा हाथ है क्योंकि उत्थे मौके पर भी जाके यही देखा भी जोड़ा वो प्रौहना से मुंडा जोड़ा ये लड़की का वो उत्थे मौजूद सीगा उस समय की उस वे कोई धुआं वगैरह या कुछ इदा उत्थे धुआं वगैरह कोई नहीं साफ सीगा कोई भी यहोजा वातावरण धुएं वाला है नहीं सीगा क्योंकि तो पिंड के नेड़े आके उत्थे जिहड़ा है पंड खोसा पंड तो अगे आके जो मोगे नूं आ रहे हैं उत्थे बहुत क्लीयर वातावरण सी कोई धुएं वाली इत्थे प्रॉब्लम नहीं सी। जिहड़े ड्राइवर ने ट्रैक्टर ट्राली का या ट्रक का वह हिरासत च लै पुलिस हजे तक कोई भी हिरासत में इन्हां ने लै नहीं साडी मंग है भी जिन्ना चिर इन्हां नूं हिरासत में नहीं लैंदे उस परिवार नूं उस बेटे नूं जिन्हां ने इस लड़की नाल एड्डी वड्डी घटना की है संस्कार नहीं करांगे जी साडा चाहे कुछ भी हो जाए असीं ये प्रशासन ते पुलिस नूं अधिकारियों सारे बेनती करते हैं तुहाडे चैनल के थ्रू भी सानू जिहड़ा इंसाफ मिलना चाहिए जिहड़ा लड़की दे मर्डर होया है ये जीरे वाले परिवार ने करवाया जी। तुसीं कि मर्डर मान रहे हो? मर्डर इस करके क्योंकि इन्हां दा डिस्प्यूट सी जिहड़ा मुंडा सी उस समय वह मौजूद से उत्थे हो ही नहीं सकता सी किसे तरीके नाल भी उहदा उत्थे इनवॉल्व होना भी इस गल तों सानू पूरा खदशा जदों ये घटना वापरी वह प्रौहणा उत्थे सी इस तों असीं अंदाजा लाउने भी जिहड़ा वह काम ही उन्होंने कराया क्योंकि डिस्प्यूट ही उन्होंने चल रहा है। बटाला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 35 साल के एक नौजवान का शव संदिग्ध हालात में रेलवे स्टेशन रोड के नजदीक एक खाली प्लॉट में पड़ा मिला। वहीं पुलिस की तरफ से लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और वहीं अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई है। Thank you.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਕੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਤਵੰਤ ਸਦਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜੂ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਦਾਰੋ ਸਲਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਤੇਜ਼ ਧਾਰਨਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉਹਦੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ MLRA ਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮਲੀ ਕੇ ਕਾਂਦਲਾ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਗਾਓ ਕੇ ਨਿਕਟ ਕਾਂਦਲਾ ਕਸਬੇ ਮੇਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਸਗੇ ਭਾਈਓ ਕੀ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 3 ਅਗਿਆਤ ਬਦਮਾਸ਼ੋ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੀ। ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਸੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਮੇਂ ਜੁਟੀ ਹੈ। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने बल्लभगढ़ बस अड्डे पर बस दोनों गेटों पर बसों को अड़ाकर तिरछा लगाकर पूर्ण रूप से चक्कर जाम रखा। कर्मचारियों का कहना है कि यहां पर सिटी बस सर्विस के करीब 600 कर्मचारियों को सरकार से मिलने वाली NPS और अंतरिम राहत 2000 रुपये जो मानदेय दिया जाता है, उसमें से GM रोडवेज और AO की मिली भगत से इस बार बिना नोटिस के काट दिया गया है। करीब कर्मचारी ऐसे हैं इस डिपो के अंदर, फरीदाबाद डिपो के अंदर ही, जहां पर ये काटे, जबकि पूरे हरियाणा में किसी डिपो में कोई अंतरिम राहत जहां दे रहे थे कोई अंतरिम राहत किसी GM ने जलन में। चक्का जाम आपके फरीदाबाद में ही है या कहीं और भी? अभी तो फरीदाबाद में ही है। अगर इस बात पे सरकार ने, यहां के प्रशासन ने इस बात को नहीं सुना तो कहीं पूरा हरियाणा बंद होगा, ये हमारा फैसला। कोई अधिकारी अभी तक आया आपके बीच? कोई अधिकारी ना आया, शहरी बस सेवा डिपो के GM आए, जबकि उनको सरकार ने कोई DD पावर नहीं दे रखी, नहीं काटने की और नहीं लगाने की, उनके पास कोई DD पावर नहीं है। यहाँ की DD पावर यहाँ के जनरल मैनेजर विक्रम सिंह मलिक के पास है, जो कि पीछे हमारी यूनियन के स्तर पर उनसे बात हुई, उस बात को उन्होंने AO ने और GM ने माना कि कोई किसी की बिगड़ नोटिस के कोई रिकवरी या तनख्वाह में से कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। उन्होंने हमारे साथ भी धोखा किया, कर्मचारियों के साथ भी धोखा किया, उन्होंने वादाखिलाफी की पूरी तरह से। कैसे अगला कदम क्या होगा जी? हमारा अभी कदम यह है कि आके प्रशासन सरकार की तरफ से DC की तरफ से, क्योंकि अब इन GM पर इन AO पर तो हमारा कोई विश्वास रहा नहीं। अगर ये हमारे बीच में आकर के कोई ऐसी बात करते हैं, हम इनकी बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये महा झूठे महा मक्कार। खेल के क्षेत्र में हरियाणा की बेटियां विश्व में चमका रही है प्रदेश का नाम। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने किया राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता का शुभारम्भ। निजी कोष से खिलाड़ियों को दी गई 1,11,000 की राशि। 21 जिलों से 1,414 महिला खिलाड़ियों ने की शिरकत। 3 दिन तक चलेगी ये प्रतियोगिता।
इन्होंने एक बात कही कि हम तीन दिवसीय राज्य स्तरीय एक महिला खेल प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र में आयोजित कर रहे हैं। मित्रों, मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ। कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ पर धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन लगातार चलते रहते हैं, परंतु राणा जी के प्रयास से कुरुक्षेत्र के पावन धरा पर यदि प्रदेश स्तरीय कोई खेल उत्सव हो, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और मित्रों, 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा प्रदेश में श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और वो सरकार इस संकल्प के साथ बनी थी कि हम जहां बेटियों के जन्म से पूर्व उनकी रक्षा करेंगे और बेटियों के जन्म के बाद उनके लालन की, उनके पालन की, उनके शिक्षा की, उनके रोजगार की, उनके स्वाभिमान की, महिलाओं की सुरक्षा की पूरी चिंता करेंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बेटियों की सुरक्षा हेतु यहां प्रत्येक जिला स्तर पर महिला थाने का खोलने का काम किया। वहां पर बहन और बेटियों को यह विश्वास देने में हम सक्षम हुए, कामयाब हुए कि हरियाणा सरकार के होते हुए मेरी बहन बेटी का मान सम्मान और स्वाभिमान बरकरार रहेगा। मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने यहां पर पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए जो कोटा पहले से निर्धारित था उसमें और इजाफा करके हमने अपनी बेटियों को विश्वास देने का काम किया कि हरियाणा में रोजगार के मामले में उनको किसी प्रकार से अनदेखी नहीं की जाएगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस हरियाणा की ऐतिहासिक और वीर भूमि पर हम बेटियों को सम्मान रूप से बराबरी का हक देने की बात नहीं करते, हम बेटियों को उनसे ज्यादा हक देने का काम करने की हमारी सरकार योजना पर काम कर रही है। हमारे लोकप्रिय खेल मंत्री श्रीमान अनिल विज जी ने खेल नीति बनाते हुए इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं का आह्वान किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इनसो नेता आपस में भिड़ गए और कई कारें भी तोड़ दी गई, कई इनसो नेता घायल भी हुए। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। ये आज इनसो का प्रोग्राम था जो दोनों पक्ष अपने अपने संख्या प्रस्तुत करना चाहते थे, इनका आपस में झगड़ा हुआ है यहाँ और दो तीन गाड़ियों को तोड़ा है, तो अब जांच जारी है, देखते हैं जिसके की कुछ लोग चोटिल भी हुए, घायल भी। हाँ, एक आदमी घायल हुआ है जिसको हॉस्पिटल भेज। ऐसा है कि मैं डीसी ऑफिस में डीसी साहब के साथ मीटिंग में था, वहीं पर मुझे जो हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया है, तो मैं जैसे ही सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंचा। अपने डीन स्टूडेंट वेलफेयर के साथ वहां पर हमने जाके देखा है कि तीन चार गाड़ियों में चोट लगी है और एक बच्चे को भी चोट आई है, उसको एडमिट कराया गया है। और मैंने इमीडिएटली चीफ वार्डन को बुलाया, चीफ वार्डन को कहा है कि सारे हॉस्टल की तलाशी लें, कोई भी अगर आउटसाइडर है तो नोटिस में लाएँ, और पुलिस को अभी इन्फॉर्म कर दिया गया था पहले से ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के। जनपद के शहर चंदौसी में पुलिस बल के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रामनौली मोहल्ला स्थित श्री नवरतन देशी घी के गोदाम पर छापा मारा, और जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने इसके सैंपल भरने शुरू किए तभी अन्य व्यापारी भी गोदाम पर आ पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। Thank you.
हम लोग SDM साहब के साथ और CO साहब के साथ प्रिंसिपल साहब के साथ पूरी फोर्स थी, हम सैंपल लेने गए थे। पूरे यूपी में सैंपल लिए जा रहे हैं, अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत गए थे हम और उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया। हमने हालांकि एक सैंपल ले लिया घी का और बाकी बाद में उन्होंने दो घंटे वो विरोध करते रहे, बाज़ार बंद कर दिया और काफ़ी मुँह जवानी काफ़ी भला बुरा। तो क्या कुछ अभद्र व्यवहार भी जैसे कुछ की हुआ? बस वो मुँह जवानी नारेबाजी करते रहे, बोलते रहे, कुछ से कुछ हाथापाई तो नहीं की लेकिन मुँह जवानी काफ़ी। अब क्या करो? संभल के थाना हयात नगर के दतावली रोड पर तालाब में तीन बच्चे नहा रहे थे जिसमें एक को डूबता देखकर दोनों बच्चे फरार हो गए और आसपास के लोग वहां जमा हो गए। इसके बाद दो युवक पानी में कूदे और मासूम को तलाश करने की कोशिश करने लगे। तीन के बच्चे थे, खेलने आए थे, ये दतावली रोड पे तालाब है, इसमें बता रहे हैं लोग जल मुर्गी यार पकड़ने आए तो उसमें डूब गया था। संभल में किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जनपद संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के रहने वाले किसान पुष्पेंद्र कुमार रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी। अचलपुर की पुलिया पर मिला किसान का शव। बहजोई के ग्राम नगलिया कठेर ग्राम के रहने वाले किसान पुष्पेंद्र को रात 8 बजे किसी ने घर पर फोन करके होटल में दावत के लिए बुलाया था। बहजोई के अंतर्गत अचलपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है संदिग्ध परिस्थितियों में पुष्पेंद्र नाम के युवक की गला रेत करके हत्या कर दी गई है, जिसमें परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर थाना बहजोई में मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा। हम पूरे घटनास्थल की पूरी गहराई पूर्वक उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसमें कुछ संदिग्ध चीज़ें हम लोग को प्राप्त पुलिस को प्राप्त हुई है और अन्य चीज़ों की छानबीन करके हम जो भी नामजद होंगे या जो हमारे प्रकाश में आएंगे उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाए। प्रादेशिक खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। यह है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।